दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मित्रों, हिंदू संस्कृति में मोर पंख की अपनी मान्यताएं हैं, साथ ही साथ वास्तु शास्त्र में भी इसका अपना महत्व है। मोर पंख मुख्य रूप से श्री कृष्ण भगवान का प्रतीक है। वहीं आज हम आपको मोर पंख के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको मालामाल बना सकते हैं। वैसे तो इसका उपयोग कई प्रकार की बाधाओं को दूर करने में किया जाता है, पर संतान की उत्पत्ति में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए इसके अचूक उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, पंडित सनंत कुमार खंपरिया के अनुसार हम आपको मोर पंख के ऐसे 12 उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आपके घर की बाधाएं भी दूर होंगी, साथ ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। सबसे पहले, बुरी नजर से बचाएगा मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख बुरी नजर से बचाता है। मोर पंख को लेकर 5 से 7 बार सिर के ऊपर से घुमा देने पर बुरी नजर से बचा जा सकता है। वह छोटे बच्चों को जरा जरा सी बात पर बुरी नजर लगती है और उनके साथ ये उपाय अपनाना सही होता है। आपसी संबंध बनेंगे मधुर। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव को दूर करने के लिए मोर पंख को शयन कक्ष में रखना चाहिए। इससे तनाव भी दूर होगा और आपसी प्रेम संबंध भी बढ़ेंगे। जीव जंतुओं से रखता है दूर। दोस्तों, मोर पंख का उपयोग कीड़े मकोड़ों से भी दूर रखता है। गर्मी और बारिश के मौसम में सांप अक्सर दिखने लगते हैं। अगर मोर पंख का घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाए तो ये जीव घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, वहीं घर में नहीं आती है बाधाएं। दोस्तों, मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। इसे रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में खुशियां बनी रहती है। वहीं अमंगल टालने के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखा जा सकता है। वैसे तो इसे कहीं भी रख सकते हैं, पर पूजा घर में रखने से इसे विशेष लाभ होता है। पढ़ाई में लगेगा मन। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बच्चों के स्टडी रूम में मोर पंख रखने से उनका पढ़ाई में मन लगा रहता है और बुद्धि भी तेज होती है। बच्चों का पढ़ने में लगेगा मन। दोस्तों, वास्तु के अनुसार बच्चों के स्टडी रूम में मोर पंख रखना चाहिए। इससे बच्चों को पढ़ने लिखने में मन लगता है, साथ ही बहुत तेजी से उनकी बुद्धि विकसित होती है। बिगड़े काम बनाएगा मोर पंख। दोस्तों, सौभाग्य के प्रतीक माने जाने वाले मोर पंख को यदि आप अपने पास रखते हैं तो आपके रुके काम बन जाते हैं। इसके अलावा, अगर आप ऑफिस या तिजोरी में पूर्व और ईशान कोण में मोर पंख रखने से अपनी आर्थिक स्थिति भी बेहतर बना सकते हैं। इससे आपकी धन की कमी दूर होगी, साथ ही रुका हुआ धन भी वापस आएगा। वहीं शत्रुओं से संबंध होंगे बेहतर। दोस्तों, चूंकि मोर पंख पॉजिटिविटी एनर्जी देता है, अतः इसे अपने पास रखने से शत्रुओं से बने कटु संबंध भी मधुर हो जाते हैं। इसके अलावा, दूर करता है वास्तु दोष। दोस्तों, अगर आप घर का वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख जरूर लगाएं। वहीं घर पर मोर पंख रखने से बुरी शक्तियां भी नहीं आती, इससे अच्छी ऊर्जा बनी रहती है। वहीं दोस्तों, मोर पंख के विषय में माना जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियां और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। वहीं मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है, शायद ही किसी अन्य देशों के लिए होगी। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपके मन में कोई सुझाव या कोई सवाल है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।